मध्य प्रदेश में जैसे जैसे 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका साथ देते हुए कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद उपचुनाव की परिस्थितियां बनी और इन परिस्थितियों के बाद सिंधिया समर्थकों की यहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इमरती देवी का जिक्र इस खास रिपोर्ट में हम आपको करेंगे। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी अपने बयानों को लेकर, अपने वायरल वीडियो को लेकर, अपने ऑडियो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं, साथ ही कांग्रेस के निशाने पर भी। इमरती देवी सिंधिया के कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। हाल ही में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इमरती देवी ने बड़ा बयान दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर इमरती देवी ने कहा, मैं घर बैठ सकती हूं लेकिन सिंधिया को नहीं छोड़ सकती। सिंधिया मेरी राजनीति की वल्दियत है। आपको बता दें, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी उस समय भी इमरती देवी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, महाराज कुएं में गिरने को कहेंगे तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन जहां महाराज रहेंगे वहीं साथ रहूंगी। और इस बार उपचुनाव से ठीक पहले इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना पिता बता दिया है। डबरा सीट से इमरती देवी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मैदान जंग में उतारा है। यहां पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पिछले 3 चुनाव से विधानसभा पहुंच रही इमरती देवी के लिए इस बार डबरा से जीत दर्ज कराना आसान नहीं है। एक तरफ वो नई पार्टी से मैदान में हैं, वहीं उपचुनाव में बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। मंत्री इमरती देवी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ी तो उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था, जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो 56,000 वोट से जीतने के बावजूद इमरती देवी पार्टी छोड़ने में संकोच नहीं करेगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।